हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। सो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपका एग्जामिनेशन जैसे ही पास आएगा तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आज हमारी फर्स्ट वीडियो है विच इज़ रिगार्डिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है उसके सिवा इस ऑथर से या इस बुक से या फिर इस कंसेप्ट से किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे लगभग उसके डबल क्वेश्चंस के जितने कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में आज समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को देख पाएँ। और प्लीज़ एक बार वीडियो वॉच करने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए या नहीं, ताकि मेरे को पता चल सके आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। ओके, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। तो आपको बताना है कि किसको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर कहा जाता है। मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। और आपको ये वीडियो को किस तरीके से देखना है, आपको हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक बार ये वीडियो को पॉज करना है और अपनी तरफ से आंसर देना है, और फिर जो मैं आंसर बताऊंगी उसके साथ आपको मैच करना है, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। अगर मैं डायरेक्टली आपको जस्ट आंसर बताते जाऊँगी तो आपको वीडियो वॉच करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने माइंड को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं ये स्टार्टिंग में थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मैं जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करूँगी आप एक बार ये वीडियो को पॉज करके अपने मन में थोड़ा सा पॉज लेकर के सही आंसर को चूज़ करना, और फिर देखना कि आपका लास्ट में स्कोर क्या आता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, फिर देखेंगे कि आगे के वीडियोज़ में आपका स्कोर इम्प्रूव होता है या नहीं। सो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। सो हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट? मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। सो मैकियावेली इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। अब क्यों कहा जाता है मैकियावेली को? बिकॉज रेनेसांस और एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले जो है आपका ब्लैक पीरियड चल रहा था, ब्लैक एज का पीरियड चल रहा था, जिस समय पे चर्च की सुप्रीमेसी थी और जो राजा होते थे वो भी चर्च की बात मानते थे। तो कुल मिलाकर के पीपल का रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव था और सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव था। जैसा चर्च बोलती थी वैसे ही सभी लोग करते थे। बट मैकियावेली वॉज द फर्स्ट थिंग जिसने फर्स्ट पर्सन जिसने बोला था कि चर्च और स्टेट दोनों को अलग होना चाहिए। सॉरी, दोनों को अलग होना चाहिए। जो चर्च का जो डोमिनेशन है वो स्टेट के ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्टेट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सो उसने पहली बार सेक्युलरिज्म का आइडिया दिया था। सेक्युलरिज्म वर्ड उस समय पे नहीं था, लेकिन उसके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ही सेक्युलर थे, तो इसलिए उसको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी उसकी थ्योरीज हैं कि उसने एथिक्स के बारे में बोला था, मोरालिटी के बारे में बोला था कि इंडिविजुअल की मोरालिटी अलग होती है और स्टेट के लिए मोरालिटी अलग होती है। एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा दे देती हूँ, जैसे कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन को मारेंगे तो वो हमारे लिए अनएथिकल है, लेकिन अगर स्टेट अपने लोगों को बचाने के लिए किसी दूसरे स्टेट को साथ जो है वॉर करता है तो वो एथिकल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नाउन फॉर द आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस एज अ बेसिस फॉर जस्टिस इन सोसाइटी। तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज थोड़ा सा तबीयत खराब है, बट आप लोग का एग्जाम पास आ रहा है तो मैं चाहती नहीं थी कि वीडियो को और लेट हो। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। सो हु इज़ नाउन फॉर द आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। सो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान का पर्दा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका आइडिया जस्टिस के लिए किसने दिया था? जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने, जॉन रॉल्स ने या फिर फ्रेडरिक हेग ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन रॉल्स। सो पहली बात करते हैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस होता क्या है। सो अज्ञान का पर्दा का कंसेप्ट है कि जॉन रॉल्स बोलता है कि एक सोसाइटी को बनाने के लिए वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी होती है जो कि आपकी वास्तविक में पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आप उसको इमेजिन करते हो। ठीक है, इमेजिनरी होती है एक तरीके से। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोग सोसाइटी के अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। अज्ञान के पर्दे के पीछे होने का मतलब क्या है कि उन्हें अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना उन्हें ये पता है कि सोसाइटी जिसके लिए वो रूल्स बनाने वाले हैं उसमें उनके क्या स्टेटस रहने वाला है, वो अमीर होने वाले हैं, गरीब होने वाले हैं, क्या उनका जेंडर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको नहीं पता है, इसलिए वो बोलता है कि वो एक अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। और उनको क्या काम दिया गया है? उनको काम दिया गया है कि आपको सोसाइटी के लिए ऐसे लॉज बनाने हैं जो कि सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करे, मैक्सिमम जस्टिस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। जॉन रॉल्स से किताब की क्वेश्चनों का भी बहुत क्वेश्चन आता है, जॉन रॉल्स की किताबें पूछी जाती हैं। तो आप प्लीज़ उसकी किताबें ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So our next question is, who coined the term invisible hand to describe the self-regulating nature of the market? तो ऐसा कौन सा थिंकर है जिसने invisible hand का कंसेप्ट दिया है, जो कि ये बताता है कि सोसाइटी जो है सेल्फ रेगुलेट करती है? एडम स्मिथ, डेविड ह्यू, जॉन लॉक या वॉल्टेयर? आप एक बार पॉज ले करके सोचेगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, तो एडम स्मिथ ने दिया है। सो एडम स्मिथ वॉज ए बेसिकली इकोनॉमिस्ट, जो कि ये बताते हैं, जो कि लिबरलिज्म का कंसेप्ट देते हैं और बताते हैं कि जो सोसाइटी होती है, जो मार्केट होता है वो इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, यानी कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। और स्टेट जो होता है उसको केवल रेगुलेट करता है, यानी कि ये देखता है कि सब काम काज ठीक से चल रहा है नहीं, अदरवाइज जो मार्केट का सारा काम है वो मार्केट स्वयं खुद करती है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इनविजिबल हैंड। Next question is, which philosopher is known for his work utilitarianism? ठीक है, so basically यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, तो वर्क ऑन यूटिलिटेरियनिज्म जो है, मेन जो वर्क है वो बेंथम के द्वारा किया गया है। बेंथम, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का मेन काम यूटिलिटेरियनिज्म पर है। तो यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली होता क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। बेंथम इसका एग्जांपल भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन है ए, और एक ट्रेन की जो पटरी है उसको हम ए नाम दे देते हैं, एक ट्रेन की पटरी को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दो पटरियाँ जा रही हैं और ये एक सिंगल पटरी है। तो यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, उसके पास दो ऑप्शन है, दो ट्रैक्स हैं जाने के लिए। एक पे, ए पे जो है एक पर्सन खड़ा हुआ है बिल्कुल ट्रैक के ऊपर, और बी पे जो है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए हैं। सो जो आपके पास, क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? आपके पास ब्रेक नहीं है, आपको किसी एक पाथ पे जाना है, ये तय है। ठीक है, तो आप किस पाथ पे जाओगे, ए पाथ पे या बी पाथ पे? तो बेंथम अपने अकॉर्डिंग कहता है कि ट्रेन ए पाथ में जाएगी, यानी कि अगर एक पर्सन को मारने से इतने पर्सन की जान बच रही है, तो उस एक पर्सन को मारना जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये बेंथम की थ्योरी है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का मैक्सिमम हैप्पीनेस होना चाहिए। यही कंसेप्ट आपका यूटिलिटेरियनिज्म कहता है। तो बेसिकली इस यूटिलिटेरियनिज्म को सुधारा किसने? वो सुधारा जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जेएस मिल ने। ठीक है, तो जेएस मिल वाज अ स्टूडेंट ऑफ बेंथम। जेएस मिल क्या कहते हैं कि आपने क्या बोला है कि आप किसी को भी मार सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए, और साथ ही साथ बेंथम ने ये कहा था कि क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी यानी कि आपको देखना है ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस कहाँ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा है। बट जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। जैसे कि बेंथम बोलते हैं कि एक मैच्योर इंसान है, उसको किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो केवल उसी के समान होती है जितनी खुशी एक बच्चे को पुष्पिन गेम खेलने से मिलती है। पुष्पिन कोई गेम होगी वहाँ की, तो बेंथम ने उसका एग्जाम्पल लिया है। तो जेएस मिल कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक खेल खेलने को, एक पुस्तक पढ़ने के जो आपका प्लेजर है उसके साथ आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए जेएस मिल उसमें सुधार करते हैं, उसको क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव बना देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने आपको क्वांटिटेटिव से उसको क्वालिटेटिव में चेंज किया। ठीक है, सो इट वॉज ए जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की खुद की भी जो थ्योरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हु रोट द बुक द लेवियाथन एडवोकेटिंग फॉर ए एब्सोलूट मोनार्की? तो आपको बताना है किसने अपनी पुस्तक लेवियाथन में एब्सोलूट मोनार्की की बात करी है। जॉन लॉक ने, रूसो ने, थॉमस हॉब्स ने, या फिर मॉन्टेस्क्यू ने? तो आप एक बार सोच लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, वो है थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स अपने जो किताब है लेवियाथन, उसमें एब्सोलूट मोनार्की को सपोर्ट क्यों करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तभी आपको कंसेप्ट याद रहते हैं। तो बेसिकली किसी भी थिंकर की थ्योरी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसकी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को समझिए, आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि कैसी परिस्थितियों में वो पड़ा बला है, कैसा समय है उस समय का जिस समय पर वो थ्योरी दे रहा है। तो जो थॉमस हॉब्स का समय है वो है सिविल वॉर का समय। सिविल वॉर जब इंग्लैंड में चल रही थी, तो इंग्लैंड में काफ़ी समय से लंबी सिविल वॉर चल रही थी, और हॉब्स जो था इसी स्थिति में पला बड़ा था, उसने केवल सिविल वॉर ही अपनी आंखों के सामने देखी थी। तो हॉब्स एक ऐसा पावरफुल स्टेट चाहता था जो कि इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके और वॉर होने से बचा सके। ठीक है, तो इसीलिए वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली अगर मोनार्की यानी कि जो आपका राजा होता है अगर वो एब्सोल्यूट होगा, उसकी पावर को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, तो सब लोग को उसकी बात माननी पड़ेगी, और जब सब लोग उसकी बात मानेंगे तो सिविल वॉर की सिचुएशन होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसने अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपनी कंडीशन को देखते हुए एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट दिया है। बिकॉज आज अगर हम अपने नज़रिए से उसको देखें कि उसने एब्सोल्यूट मोनार्की को क्यों सपोर्ट किया है, तो हम इसको बिल्कुल गलत पाएंगे। ठीक है, तो थॉमस हॉब का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जॉन लॉक तो क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एब्सोल्यूट मोनार्की को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर थोड़े थिंकर्स के बारे में आपको पता होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से एक बेस्ट आंसर निकाल सकते हैं। रूसो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करता है, जिसको हम जनरल विल का कंसेप्ट बोलते हैं। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I'm really sorry. So next question is, who is regarded as the founder of philosophical idealism? So idealism आते ही हम सभी के दिमाग में ऐसा थिंकर आता है जो कि WPT का बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। तो सबसे पहले है सोक्रेट्स, फिर प्लेटो है, एरिस्टोटल है, इससे रसो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फिलोसफिकल आइडियलिज्म का फाउंडर है। ठीक है, तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, वो है प्लेटो। सो प्लेटो ने जो है आइडियल थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करी है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो 3 सोल होती हैं, ठीक है, जिसमें कि एक आपकी विजडम होती है, जो कि एक आपकी विजडम होती है, करेज होती है और एक एपेटाइट होती है। ठीक है, तो जो विजडम होती है वो आपके फिलोसफर किंग के अंदर होती है, जो आपका करेज होता है वो सोल्जर्स के अंदर होता है, और एपेटाइट जो होती है आपकी वो वर्किंग क्लास के अंदर होती है, जो बाकी लोग बच गए हैं। तो बोलते हैं अगर ये तीनों सोल्स यानी कि ये तीनों तरीके के जो गुण हैं, अगर वो अपना अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे, ठीक है, तो सोसाइटी में क्या होगा, जस्टिस प्रिवेल होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी सोल जो है किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करे, तो आपका जो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल हो जाएगा। और इसी आइडियल थ्योरी को वो अपनी आइडियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और भी उनकी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, एलिगरी ऑफ केव जो कि उनके आइडियलिज्म से रिलेट करती है। ठीक है, तो एक बार आप प्लेटो को ठीक से पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ प्लेटो की बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्लेटो की किताबें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली सेड दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। सो आपको बताना है कि इसमें से किसने ये बोला है, और ये बहुत ही जो है फेमस कंसेप्ट है, तो आई गेस आप सभी लोगों को ये पता ही होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर ऑप्शंस को पढ़ के बताइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका सोक्रेट्स। ठीक है, तो सोक्रेट्स बोलते हैं दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, और ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो क्यों वो सॉरी सोक्रेट्स नहीं है, एरिस्टोटल है, मैंने गलती से सोक्रेट्स बता दिया है। ठीक है, सो सोक्रेट्स नहीं, एरिस्टोटल है। सो एरिस्टोटल सेज दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल बिकॉज ही इज़ अ सोशल क्रिएचर विद द पावर ऑफ स्पीच एंड मोरल रीजनिंग। तो उनका ये कहना है कि इसका मतलब स्टेट भी क्या है, आपका एक नेचुरल क्रिएशन है, और मैन बाय नेचर क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल की स्लेवरी के कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने स्लेवरी के कंसेप्ट में क्या बताते हैं, वो बोलते हैं वो स्लेवरी को नेचुरल मानते हैं और स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑथर स्लेवरी को सपोर्ट करता है, तो स्लेवरी को एज ए नेगेटिव कंसेप्ट देख करके जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने सपोर्ट किया होगा। तो एरिस्टोटल सपोर्ट स्लेवरी। वो कहते हैं कि जो स्लेव होते हैं उनके पास रीजनिंग कम होती है, यानी कि बुद्धि कम होती है, और इसलिए बाय नेचर उनको ऐसा बनाया गया कि वो दूसरों के लिए काम करें, इसलिए उनको स्टेट के किसी अफेयर में कोई काम यानी कि कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं मिलना चाहिए। और वो स्लेवरी को नेचुरल मानते हैं कि कुछ लोगों के पास जो है नेचुरल तरीके से कम बुद्धि होती है और उनको केवल ऐसे ही काम करने देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका विच फिलोसोफर आर्ग्यूड फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ। आपको बताना है नेचुरल लॉ की कंसेप्ट की बात किसने करी है, तो इसका जो आपका आंसर उन्हें बोला है वो है जॉन लॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलोसोफर एडवोकेटेड फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको पीछे दे ही चुकी हूँ कि मॉन्टेस्क्यू वाज द पर्सन जिसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में कितने सारी कंट्रीज में जो है माना जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो मॉन्टेस्क्यू ने पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु रोट द बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो किताबों से आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इन सभी से आपके जो है IR हो बेशक, ठीक है। तो सारे ही सब डिसिप्लिन से आपका बुक्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से यहाँ पे डाला हुआ है, बट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार उसको आप लोगों को इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। सो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए लास्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following sought to establish the non-utilitarian proposition that some pleasures are of a higher quality than others? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं हो रखा था। तो उस क्वेश्चन में ही मैंने आपको ऑलरेडी ये नॉन यूटिलिटेरियन प्रोपोजिशन को किस तरीके से वो क्वालिटी में चेंज करते हैं बता दिया था मैंने, JS मिल ने किया है। और अगर सिर्फ ये कंसेप्ट आता है कि यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल यूटिलिटेरियनिज्म आपसे पूछा जाएगा तो आपको जेरेमी बेंथम लगाना है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि किसने उसको ठीक किया या फिर आप बोल सकते हो क्वालिटी का कंसेप्ट दिया था उसमें, तो JS मिल आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस डज नॉट अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और क्या सिचुएशन थी वहाँ पे लोगों की, यानी कि किन लोगों को व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखा गया था, वो भी मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ एक बारी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रही हूँ, एक बारी वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से आंसर ज़रूर बताइएगा। सो नो वन नोज हिज पोजिशन इन सोसाइटी, नो वन नोज हिज क्लास पोजिशन और सोशल स्टेटस, नो वन नोज हिज फॉर्च्यून इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स एंड पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड। तो आई गेस ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी वो वाली बात बिल्कुल ध्यान से सुनी है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान के पर्दे का मतलब ये है कि उस पर्दे के पीछे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अज्ञान हैं अपनी पारिवारिक चीज़ों से, अपने पर्सनल चीज़ों से। तो जहाँ पे लिखा है पार्टी नोज देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, तो वही सही आंसर होगा, बिकॉज उन्होंने डज नॉट पूछा है। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है ज्ञान का पर्दा, यानी कि उनको अपने बारे में कुछ नहीं पता है। तो कैसे उनको अपने गुड के बारे में पता होगा, तो तभी वो जो है सोसाइटी के लिए लॉज बना पाएंगे जब उनको बिल्कुल किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि जो वो लॉज बनाने वाले हैं वो किसके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, वो अमीर को फ़ायदा पहुँचाएगा या गरीब को फ़ायदा पहुँचाएगा, तो वो बिल्कुल फेयर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ हेगल थ्योरी ऑफ स्टेट आर करेक्ट, यानी कि आपको बताना है कि हेगल की जो थ्योरी को लेकर के कंसेप्ट है, आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेट इज अ सुपर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, थर्ड इट इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड इट इज अनचेक्ड बाय एनी मॉरल लॉ फॉर इट इटसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ मोरालिटी। तो आप एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िएगा और अपनी तरफ से आंसर को एक बार सोच के रखिएगा। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि आपकी सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हेगल की जो थ्योरी है स्टेट को लेकर के और जो आइडियल थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेगल जो है स्टेट को मानता है दैट स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि स्टेट जो है भगवान का स्वरूप है धरती पे लोगों के लिए, जो कि एंड इन इटसेल्फ है। और साथ ही साथ उसकी आइडिया का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने देखा होगा मार्क्स में आपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ा होगा, तो वो उसने हेगल से ही अडॉप्ट किया है, हेगल से ही उसने लिया है वो कंसेप्ट। तो हेगल बोलता है कि आइडिया इज सुप्रीम, आइडिया ही हर चीज़ के पीछे का कारण होता है, हर चीज़ आइडिया से शुरुआत होती है। लेकिन उसी को चेंज करके मार्क्स बोल देता है कि मैटर से हर चीज़ बदलती है, मैटर इज़ द सुप्रीम। तो उसने केवल हेगल का कंसेप्ट लेकर के उसको इम्प्रोवाइज़ किया है। तो आपको हेगल की थ्योरी पता होनी चाहिए स्टेट को लेकर के, आइडिया को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ हेगल की किताब भी पूछी जाती है, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ राइट पूछी जाती है उसकी किताब। और ऑल भी जितने भी हम थिंकर्स पढ़ते जा रहे हैं सबकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से MCQ में बहुत पूछे जाते हैं, नॉट ट्रू वाले, क्योंकि बच्चे जो है नॉट को इग्नोर कर जाते हैं या फिर हड़बड़ी में नहीं पढ़ पाते हैं और वो सही वाला क्वेश्चन लगा आते हैं, जबकि क्वेश्चन में नॉट पूछा होता है। तो आपको क्वेश्चन जो नॉट वाले हैं बिल्कुल ध्यान के साथ पढ़ने हैं, भले ही आप 1-2 सेकेंड या 5-10 सेकेंड ज़्यादा लगाइएगा एक क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सो यहाँ पूछा गया है कि लॉक के अनुसार सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कौन सी थ्योरी सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वंस मेड इज इररिवोकेबल, इररिवोकेबल मतलब है कि आप उसको तोड़ करके वापस नहीं जा सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, ऐसा कंसेप्ट जो कि हर एक जनरेशन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। contract in which men give up some of the rights they possessed in the state of nature, and contract does not put an end to the law of nature. तो एक बार ये आप अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी और पहले भी आ चुका है, तो एक बार ज़रूर वीडियो को पॉज करके आंसर एक बार सोच लीजिएगा आप। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, क्योंकि लॉक ने कहा था कि एवरी जनरेशन इज बाउंड टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी जनरेशन आपकी आने वाली सबको कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका है, जैसे इट इज़ इरिवोकेबल। आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आप दोबारा से उस वाले पुराने समाज में नहीं जा सकते हो, तो इसीलिए हर जनरेशन को उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर रूसो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रूसो की जो थ्योरी है इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर मेन सेल्फलेस विच सेटिस्फाइज हिज रियल नीड्स इज ओनली टू एप्ट फॉर टू बिकम प्राइड, ठीक है। वो कह रहा है कि जो भी मैन करता है सारी नीड्स को फुलफिल करता है केवल अपने प्राइड को बढ़ाने के लिए। प्राइड बिकम्स इनकम्पैटिबल विद सिंपैथी, तो प्राइड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सिंपैथी। देन फ्रॉम प्राइड ऑल लेवल हैज ग्रोन, वो बोल रहा है कि सोसाइटी में जितनी भी इविल बुराइयां आप देख रहे हो वो प्राइड की वजह से हैं, क्योंकि हर जो पर्सन है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, एंड प्राइड डज नॉट रिड्यूस रीजन, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको तभी पता होंगे जब आपने रूसो को बिल्कुल थॉरली पढ़ा होगा। तो अगर आप हमारे बैच में से कोई बच्चा है जिसने हमारे बैच को ज्वाइन किया था उसको ज़रूर पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन, बिकॉज ही सेड दैट प्राइड सेड्यूस रीजन, क्योंकि रूसो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे भी है साइंस की क्रिटिक को लेकर के, जिसको लेकर के उसको अवार्ड भी मिला था। तो बेसिकली वो बताता है कि साइंस आने से किस तरीके से लोग जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगे हैं आजकल, तो इसलिए ही सेड दैट प्राइड सेड्यूस रीजन। तो यहाँ पे लिखे प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमने सब्जेक्ट वाइज अपनी गाइड्स निकाली हैं, नोट्स निकाले हैं, ठीक है, जो कि पूरे सिलेबस को तो कवर करती है, सिलेबस से ज़्यादा कवर करती है, ताकि आप लोगों को नेट में यूपीएससी में आप जो आगे फर्दर एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी हेल्प हो। तो आपको वो लेना कैसे है, नीचे गूगल फॉर्म में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, आपको ड्राइव पर शेयर कर दिया जाएगा PDF, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, लास्ट ईयर भी हमने निकाला था। सो हु सेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट आर्ट रिलीजन फिलोसफी डिफर ओनली इन फॉर्म, देयर पर्पस इज सेम। तो कौन सा ऐसा फिलोसोफर है जो कह रहे हैं आर्ट रिलीजन और फिलोसफी जो है केवल अपने रूप में अलग होते हैं लेकिन सबका जो पर्पस होता है वो समान होता है, ठीक है। तो जॉर्ज लुकस, हेगल, एरिक या सातरे, आपको बताना है कि कौन है इसमें से। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो है हेगल। सो हेगल सेड दैट आर्ट रिलीजन फिलोसफी डिफर ओनली इन फॉर्म बट देयर पर्पस इज सेम। तो हेगल, आप देख सकते हो कि मैंने हेगल के कोई क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हेगल काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके WPT के, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, और किताबों को लेकर के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, वन वर्ड को लेकर के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, कंसेप्ट को लेकर भी। तो भले क्वेश्चन आपको कम मिले लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सारे के सारे समझा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ कि और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। तो इसलिए आपको डबल फायदा हो रहा है इस वीडियो से। तो प्लीज़ एंड तक वॉच करना और एक बार बता ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि मुझे और सब्जेक्ट्स को लेकर के ऐसे वीडियो लेकर के आनी चाहिए, क्वेश्चंस को लेकर के या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मैच द फॉलोइंग। ये एक टेबल आप लोगों के सामने दी गई है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने जो भी पेन कॉपी है या माइंड में एक बार इसका आंसर सोचिएगा, ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लीजिए, मैं आपको राइट आंसर इसका बता देती हूँ। सो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, ग्राम्स्की, फ्रेंच फैनन एंड जॉन रॉल्स, ये सारे यहाँ पे थिंकर्स दिए गए हैं और ये सारी इनकी किताबें हैं, आपको इनको मैच करना है, ठीक है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी फेमस बुक, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें वुमेन की एजुकेशन की, वुमेन की राइट्स की बात करती हैं। उसके बाद ग्राम्स्की की किताब है प्रिजन नोटबुक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने प्रिजन में लिखी थी उन्होंने, इसीलिए उसका नाम प्रिजन नोटबुक है, प्रिजन नोटबुक। उसके बाद है आपका फ्रेंच फैनन की किताब है आपकी द रेचेड ऑफ द अर्थ, एंड जॉन रॉल्स की किताब है आपकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो जॉन रॉल्स का अभी पीछे जब हमने क्वेश्चन किया तब मैंने आपको बताया भी था कि जॉन रॉल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी किताबें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो जॉन रॉल्स की और भी जो किताबें हैं आप एक बार ही सारी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स ले रहे हो तो उसमें तो ये सब कुछ है, ठीक है, थ्योरीज भी है, बुक्स एंड ऑथर्स भी हैं, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कोर्स भी हैं, जो कि कोर्स आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लिबर्टी? रूसो, लास्की, प्लेटो या हर्बर्ट स्पेंसर? सो इट्स राइट आंसर इज रूसो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? तो ये कुछ चार पेयर्स हैं, इनमें से आपको दो सही बताने हैं क्योंकि दो गलत हैं। सो जॉन रॉल्स इगैलिटेरियनिज्म से रिलेट करता है या नहीं, प्लेटो आइडियलिस्ट है या नहीं, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट कम्युनिस्ट है या नहीं, तो ग्राम्स्की फेमिनिस्ट है या नहीं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा विचार करिए इसके ऊपर। मैं तब तक आपको राइट आंसर बताती हूँ। सो इट्स राइट आंसर इज ए एंड बी, एंड ए एंड बी is in the first option. So these two are correct because Mary Wollstonecraft is feminist and Gramsci is communist. तो ये दोनों cross में जाएंगे, दोनों गलत match किए हुए हैं। Okay. So the next question is, who stated that placing restrictions on freedom of expressions of human being is like robbing of the present and future races? It is a very, very important statement और ये statement दिया है इन चारों में से J.S. Mill ने, ठीक है। तो J.S. Mill का ये कहना था कि आप किसी की स्वतंत्रता को मत छीनिए, ठीक है, भले ही वो इंसान गलत क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन उसे बोलने का अधिकार है। तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लाइक रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेसेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय? तो ये किताब का नाम है, आपको बताना है चारों में से किसने लिखी है, जॉन लॉक, रूसो, थॉमस हॉब्स एंड स्पेंसर। तो आप एक बार विचार करिए, मैं तब तक इसका आपको राइट आंसर बताती हूँ। तो ये लिखिए जॉन लॉक ने। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बुक्स के कई क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि WPT की जो किताबें हैं वो आपसे बहुत पूछी जाती हैं, और WPT की किताबों में अक्सर बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि एक ही राइटर की कई सारी बुक्स होती हैं और उनमें से कई बारी काफ़ी सारी बुक्स पूछी जाती हैं। तो एक राइटर की कम से कम 2-3 किताबें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स्की आर करेक्ट? तो आपको बताना है कि ग्राम्स्की की जो थ्योरी है उसमें से दिए हुए ये चार स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के बताना है कौन सी सही है, ठीक है। सो द स्टेट कैन नॉट अंडरस्टूड विदाउट अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको स्टेट को समझना है तो। सिविल सोसाइटी इज नॉट द एनसेम्बल ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्राइवेट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी में जो है प्राइवेट वाला आपको इंक्लूड नहीं करना है। इट इज़ इन द सिविल सोसाइटी दैट द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी टेक्स प्लेस। तो ग्राम्स्की अपनी थ्योरी में जैसे कि बताते हैं कि हेजेमनी कहाँ पे टेक्स प्लेस करती है, वो सिविल सोसाइटी में करती है। ही डिराइव द टर्म सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी फ्रॉम हेगल, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से सही हैं। तो हमारे अकॉर्डिंगली इसका स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 3 ठीक है, स्टेटमेंट 4 ठीक है। तो कहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस हैं, ये हैं ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ये वाला क्यों नहीं है? बिकॉज वो कहता है कि आपका सारा का सारा जितना भी सिविल सोसाइटी है, चाहे आपकी फैमिली होगी, एजुकेशन हो गया, तो कितनी भी आपकी प्राइवेट चीज़ें भी होगी, वो सब सिविल सोसाइटी के अंदर आती हैं, जो कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो इसलिए गलत हो जाती है, ठीक है। और ग्राम्स्की की हेजेमनी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेपर से पहले। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या, सो दैट्स फॉर इट, ठीक है, दैट्स फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और प्लीज़ मुझे वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसे वीडियोस और सब्जेक्ट वाइज चाहिए या नहीं, लाइक पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप नीचे जो गूगल फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो, बिकॉज थोड़े से दिन बचे हैं और आप लोगों को बिल्कुल समय ज़ाया नहीं होगा किताबों को पढ़ने में, बिकॉज जितना कंटेंट आपको किताबों में नहीं मिलेगा, किताबों से ज़्यादा हमने अपने नोट्स में डाला है, क्योंकि हमारे नोट्स जो हैं बहुत सारे सोर्सेज से मिलकर के बने और बहुत लंबी समय की मेहनत का वो नतीजा है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या था और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए नहीं एक अलग सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही मेहनत करती रहिए बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।